नमस्कार स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से पोषण ट्रैकर की एक और नई वीडियो में बहनों आप सभी को पता होगा कि पोषण ट्रैकर में एक नया अपडेट लाया गया था जो 20.7 का था इस अपडेट के बाद बहुत सारे अपडेट्स पोषण ट्रैकर में बदलाव किए गए जिसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था और आपने भी वो वीडियो जरूर देखी होगी लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने पोषण ट्रैकर में यानी आप अपने बेनिफिशरी में किसी को भी जब ऐड करती हैं अगर वो बच्चे हैं इनकी छोड़ी हैं जो जीरो से सिक्स ईयर्स तक तो के बच्चे हैं अगर आप इनको ऐड करती हैं तो इनको ऐड करते समय आप इनके आधार कार्ड के अनुसार आप इनके पिताजी का आधार कार्ड यहाँ पर कैसे सबमिट करेंगी इसके बारे में जानेंगे और इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि यहाँ पे जब आप आधार नंबर सबमिट करती हैं तो उसमें सही तरीका किस प्रकार से है और किस प्रकार से वो करना भी चाहिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसी के साथ आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको पोषण रिकॉर्ड और आंगनबाड़ी से संबंधित हर एक नई वीडियो आगे भी मिलती रहे तो चलिए हम आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको सभी आंगनबाड़ी बहनों को अपने पोषण रिकॉर्ड को इस टाइप से ओपन कर लेना है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो पोषण है पोषण ट्रेकर्ड एप्लीकेशन है ये लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट हुआ हो यानी अगर आप ये वीडियो हमारी जो वीडियो है बाद में देख रही हैं और उस समय कोई नया अपडेट आया है तो आप अपने पोषण ट्रैकर को अपडेट कर लें ताकि आपका जो पोषण ट्रैकर है ठीक से काम कर सके और आप किसी भी बेनिफिशियरी को ऐड करें वो सफलतापूर्ण से हो सके तो सबसे पहले आप बेनिफिशियरी में जाएंगी यहाँ से भी ऐड कर सकती हैं यहाँ पर भी ऑप्शन दिया जाएगा रजिस्टर बेनिफिशरी का अगर आप यहाँ पर क्लिक करती हैं तो इसी टाइप का इंटरफेस दिखेगा और अगर आप यहाँ से क्लिक करती हैं जो बेनिफिशियरी ऑप्शन दिया गया है और आपको नीचे यहाँ पे प्लस का एक ऑप्शन दिया जाएगा तो आपको इस पर क्लिक करना है सबसे पहले हम जानेंगे कि आप बच्चों को यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो जीरो से सिक्स मंथ हैं या सिक्स से थ्री ईयर्स हैं या थ्री से सिक्स ईयर्स हैं आप इनको कैसे ऐड कर सकती हैं जैसे आप यहाँ पर दिख भी सकती हैं सबसे पहले तो हम यहाँ पर सिक्स मंथ से थ्री ईयर्स वाले सेक्शन को ओपन करते हैं यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले जो बच्चे हैं इनका यहाँ पे नाम डालना होता है यानी जो बच्चे का नाम है जिस नाम का बच्चा आपके केंद्र पर पढ़ने आता है या जिसका आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहती हैं उनका नाम दर्ज करना होता है उसके बाद वही नाम आप यहाँ पर हिंदी में दर्ज कर सकती हैं यहाँ पे दिया गया है फिर यहाँ पर दिया गया है आधार नंबर ऑफ चाइल्ड लेकिन आप सभी को पता होगा कि आधार नंबर आप सभी आंगनबाड़ी बहने उस चाइल्ड का यहाँ उस बच्चे का नहीं भरना चाहती हैं तो इसके लिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे दिया गया है चाइल्ड डज नॉट हैव आधार अगर यहाँ पे बच्चे का जो आधार है ये लिख दिया गया है कि क्या बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो यस यहाँ पे बच्चे के पास अपना खुद का आधार कार्ड यहाँ पे नहीं बना हुआ है तो इसके लिए आपको यहाँ पे यस यह करना है यहाँ पे हमने यस किया और यहाँ पे इसको हाइड कर दिया गया यानी आप इसको ओपन नहीं कर सकती हैं फिर दिया जाएगा आधार नंबर ऑफ मदर यानी जो बच्चा है उसका आधार नंबर उनकी माता का आधार नंबर आप यहाँ पे भर के इसको भर सकती हैं लेकिन अब यहाँ पे बात आता है कि हम किस प्रकार से बच्चे का भी और उनके माता जी का यानी दोनों का आधार नंबर न भर के हम उनके पिताजी का आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर जो है इसको भर सके तो इसके लिए फिर से आपको पे एक बार पढ़ेंगी तो लिखा गया है कि हैव अदर यानी हैं उनके पास उनका आधार कार्ड खुद का नहीं है तो आपको इसके लिए क्या करना है आपको फिर से यहाँ से यस यह करना है और यहां से यस यह करने के बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दी जाएगा कि आधार नंबर ऑफ फादर या गार्जियन आप यहां से उस बच्चे का आधार नंबर जो उनके पिताजी है उनका आधार नंबर भर सकती हैं या उनके कोई गार्डियन है यानी उनकी अगर दादी हैं या उनकी जो दादाजी हैं उनका भी आप यहाँ पे आधार नंबर भर सकती हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है इसको कैसे करना है फिर से बता दें आप सभी को सबसे पहले तो इसको हम यहाँ से नो करते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन जाएगा चाइल्ड डॉज नॉट हैव आधार का आपको इसको यस करना है यस करने के बाद फिर से वही ऑप्शन जाएगा कि आप यहाँ के उनकी माता का आधार नंबर भर सकती हैं लेकिन आपको ऐसा भी नहीं करना है आपको उनके पिता का आधार भरना है तो आपको भी यस करना है। फिर यहां पे आप उनके आधार नंबर भर सकती है यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि अगर उनके पिताजी का आधार में जो स्पेलिंग से मिस्टेक नहीं हो यानी अगर आप उनके पिताजी का आधार कार्ड आपके पास उपलब्ध है तो आप उनसे देखकर ही उनके स्पेलिंग को यहाँ पे दर्ज करें क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक से ही यहाँ पे अगर आप सबमिट करती हैं तो यहाँ पे सबमिट आपका नहीं हो सकता है इसके बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना चाहती हैं तो इसके लिए आपको इस पर नहीं क्लिक करना है आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है आपको इस पर क्लिक करना है फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सभी को एक यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा जैसे आप यहाँ पे क्लिक करती हैं तो ऐसे बैक जाता है जैसे हम यहाँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐसे बैक जाता है लेकिन काफ़ी समय इसे लगता है तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया अगर इस पर इस पर क्लिक करती हैं हमने यहाँ पे यहाँ पे क्लिक किया और आप यहाँ पे सीधे भर सकती हैं देखिए जैसे कि आप यहाँ पे जब दिया गया ईयर 2022 से हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से आप यहाँ पे जो उनका पिताजी है उनका यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हैं यानी जो डेट ऑफ बर्थ है उनका यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे भर सकती हैं इसी प्रकार से आपको करना है फिर दिया गया है जो गार्डियन है यानी जिनका आप आधार नंबर दे रही हैं वो जो है वो किस प्रकार के हैं मेल है या फीमेल है तो आपको इसको यहाँ पर दर्ज कर लेना है फिर दिया गया है डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड यानी बच्चे का उम्र क्या है उसके अनुसार आपको डेट ऑफ बर्थ जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सबमिट करना होगा फिर दिया गया है नेम ऑफ फादर एंड गार्जियन फिर दिया गया है नेम ऑफ मदर यानी उनके पिता का नाम और उनके माता इन दोनों का नाम को आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा और उसके बाद फादर मदर या गार्जियन यानी गार्जियन इन तीनों में से आप किसी का भी नंबर यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं इसके लिए कोई यहाँ पे रोक रूप यहाँ पे नहीं दिया गया है फिर दिया गया कैटेगरी यानी किस श्रेणी का जो बच्चा है या बालक है या बालिका है आपके इस बेनिफिशरी में रजिस्टर कर रही हैं उसके लिए एस सी, सी या ऑर्डर्स आप इसकी यहाँ पे जानकारी ले लें कि किस कैटेगरी का जो बच्चा है या बालिका है जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रही हैं फिर दिया गया है यहाँ पे तो आपको यहाँ पे परमानेंट करके इसको सबमिट कर देना है जैसे आप करेंगी तो आपका यहाँ से सफलता पूर्वक हो जाएगा लेकिन इतने करने के बाद आपको आज के दिन यानी जिस दिन आप इसको फॉर्म को भरेंगी उस दिन नहीं होने वाला क्योंकि चौबीस घंटे के बाद ही आपको इसको शो करेगा अगर आपका शो नहीं करता है तो आप घबराइए ना क्योंकि चौबीस घंटे के बाद यहाँ पे अपने आप पोषण ट्रैक अपडेट होके इसको अपने बेनिफिशरी पे यहाँ पे ऐड कर लेगा अब बात करते हैं कि अब गर्भवती महिला कैसे भर सकती हैं हम यहाँ पे प्रेगनेंट वुमेन को ओपन करते हैं यहाँ पे बहुत आसान है आप देखिए यहाँ पे दिया गया है वुमेन नेम यानी जिस भी गर्भवती महिला का भरतना जाती है वो दिया है नेम ऑफ इन यू लैंग्वेज यानी आप अपने भाषा में उनका नाम किस प्रकार से दे सकती हैं तो आप यहाँ पे भी हिंदी भर सकती हैं फिर दिया गया हस्बैंड नेम आधार नेम अब यहाँ पे देखिए आधार नंबर दिया गया है तो आप हस्बैंड या जो वुमेन है इन दोनों में से किसी का भी आधार यहाँ पे दे सकती हैं इसके लिए कोई यहाँ पे जिम्मेवारी नहीं दी गई है फिर दिया गया आभा आईडी अगर आभा आईडी डी क्रिएट किया गया है तो आप भर सकती हैं डेट ऑफ बर्थ से यहाँ पे भरना होगा फिर मोबाइल नंबर देना होगा फिर यहाँ पे दिया गया है वो जो प्रेगनेंसी है किस लिखा गया है इज द योर फर्स्ट प्रेगनेंसी यानी क्या वो पहली बार गर्भवती हुई हैं अगर पहली बार है तो यस करना है दूसरी बार हुई है तो नो करना है फिर दिया गया है क्या इनसे पहले उनका मिसकैरेज हुआ था यानी इससे पहले क्या उनका गर्भपात हुआ था यानी अगर बच्चा पेट में था तो उसको किसी दुर्घटना वस क्या उनकी मृत्यु हो चुकी थी तो इसको भी आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा फिर लिखा गया है कि कितने मंथ का यहाँ पे पीरियड है तो आप यहाँ पे भर के और यहाँ परमानेंट भर के यहाँ पे सबमिट कर सकती हैं और इसी प्रकार से आप जो भी बच्चे हैं श्रेणी है लेक्रेटिंग मदर है बच्चे हैं जो भी आप लाभार्थी के यहाँ पे भरना चाहती है आप पर यहाँ पर भर सकती हैं बिल्कुल ही आसान है आप बस आपको समझना है और अगर इसके बाद भी आपका नहीं होता है तो आप यहाँ पे अपने लैंग्वेज को यानी जो भाषा है इसको चेंज कर लें ताकि आपको और भी आसानी हो यहाँ पे इसमें रजिस्ट्रेशन करने में अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकती हैं इसके अनुसार हम आपको आगे वीडियो बना के या आपको कमेंट में ही समझा दें कि आप अपने पोषण प्रकरण में किस प्रकार से भी आगे यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकती हैं अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को आप सभी बने लाइक जरूर कीजिएगा और इसी के साथ आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद